ये चलो जहाँ पे मेन सरफस है ये पानी मैं डाल देता हूँ उसमें, देख लेना। ये देखो कैसा जा रहा है इसमें से। पानी बिल्कुल रुकता ही नहीं है। Hi guys, this is JB Anthony, the rider from KL. Welcome to the other video. आज मैंने निंजा लेके निकल गया है डिटेलिंग डबल्स राजकोट में। एक्चुअली 2019 अप्रैल में मैंने इसको विशाखापट्टनम से वाइजाग से जब गाड़ी लिया था, उसके बाद एक महीने के बाद डिटेलिंग डबल्स वाइजाग से इसका सिरामिक कोटिंग करवाया था। वो 3 इयर्स का कोटिंग था। तो आज वो दिन है कि इसकी तीसरा वाला जो कोटिंग है उसका वापस करना है, यानी एक बार करने के बाद एवरी ईयर में उसको वापस रिपोलिश करवाना पड़ता है, सो दैट वो शाइनिंग और उसकी जो रिजल्ट है वो मेंटेन रहेंगे। सो कोविड की वजह से यहाँ पे ये सब शोरूम्स क्लोज था, तो ये अप्रैल महीने में करना था, अभी जून हो गया है, तो अभी इन्होंने वापस ये सब चालू कर दिया है। तो आज का टाइम दिया है। सो लास्ट जो राइड था वो संडे ऑफ रोड राइड, तो उसके बाद गाड़ी बहुत गंदा हो चुका है, सो मुझे सिरामिक कोटिंग करवाना तो मैंने वाश नहीं किया, तो एज इट इज़ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो लोग वाश करेंगे, वाश करने के बाद जहाँ जहाँ वाटर मार्क या फिर माइनस माइनर स्क्रैचेस है जिससे वो डस्ट की वजह से होता है वो सब क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिश, उसके बाद सिरामिक कोटिंग का, नहीं सॉरी सिरामिक कोटिंग का जो है वो सबसे लास्ट में होता है वो प्रोसेस। एनी हाउ वो जो उसका डिटेल प्रोसेस जो वहाँ मैं पहुँच के फिर आपको वो आपको बता देता हूँ। सो दिस इज द डिटेलिंग डबल्स राजकोट। देखो आप गाड़ी देख सकते हैं पूरा गंदा हो चुका है। अब ऐसे गंदगी में फिर देखना आफ्टर कोटिंग और पॉलिश गाड़ी कैसे दिखेगा। गाइस अभी गाड़ी थोड़ी देर में वॉशिंग में जाएगा, वॉशिंग के बाद फिर इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसका पहले के एक बार आप देख लीजिए कि गाड़ी का करंट कंडीशन।
सो गाइज मिलते हैं आफ्टर प्रोसेस सिरामिक कोटिंग का बाद, फिर मिलते हैं निंजा 1000 को, फिर बताएंगे इसका प्रोसेस कैसे किया और क्या क्या इसका एडवांटेज क्या है सब, उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए। सिरामिक कोटिंग कंप्लीट हो गए हैं और दो दिन के बाद में है, जो पहले बार जब गाड़ी छोड़ दिया थे, जो मैंने आप लोगों ने जो डस्टेड वाला जो उसमें देखा था, अभी दो दिन के बाद मैंने गाड़ी लेने आए हैं, तो परफेक्टली गाड़ी के काम हो गया है, राइट। सो सिरामिक कोटिंग का फ़ायदा ये होता है कि माइनर स्क्रैचेस होता है, जैसे कि जो पेंट तक नहीं जाते, जैसे कि स्क्रैच इन द सेंस पेंट उगड़ गया यानी पेंट निकल गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो डेली रूटीन में जब हम जाते हैं छोटे छोटे डस्टस होता है और वो डल हो जाता है, तो वो सिरामिक कोटिंग होने के बाद वो फ़ायदा रहता है कि जब इसको आप बाद में उसको जब पॉलिश या टचअप करते हैं तो उसकी जो शाइनिंग, जो जैसे कि नई गाड़ी जब शोरूम से लेता है वैसे कंडीशन में मिलेगा जैसे ये गाड़ी है। देख अभी ये 2 साल पुराना गाड़ी है, अभी एकदम फ्रेश नई जैसे दिखता है, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि सिरामिक कोटिंग है, तो ये कोट उसके ऊपर पेंट के ऊपर एक लेयर रहता है, वो लेयर के कारण इसकी जो पेंट की क्वालिटी और शाइनिंग उसको मेंटेन करता है। सो गाइस एक बार इसका एग्जॉस्ट में दिखा देता हूँ, ये एक्राकोश का स्लिपॉन है, फुल एग्जॉस्ट नहीं है, फिर भी इसकी साउंड बहुत अच्छा है क्योंकि फूल डालने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा मतलब स्लिपॉन में भी, स्लिपॉन इन द सेंस यहाँ से यहाँ मतलब दोनों साइड में है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। एक बार आप इसका साउंड सुनो, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो सिरामिक कोटिंग का जो फ़ायदा होता है ना, तो वो बताता हूँ। अगर मान के चलो ये ग्लास है, ठीक है, मैं इसको ऊपर ये चलो जहाँ पे मेन सरफेस है ये पानी मैं डाल देता हूँ इसमें, देख लेना ये देखो कैसा जा रहा है इसमें से, पानी बिल्कुल रुकता ही नहीं है, है ना, जैसे अम्बरला में जो नए अम्बर लेते हैं तो उसमें जैसे पानी गिरते हैं वैसा ही। ये बात केरला लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि केरला में बहुत अम्बरला लेते ही हैं, देखो सो ये तो मैंने पानी डाल दिया, तो ऐसे ही रहता है कि जब कीचड़ होता है, कीचड़ में भी ऐसा फ़ायदा होता है
कि आप लोगों जो कीचड़ ऐसा गिर जाता है तो उसमें हल्का सा पानी मार दो, उसमें निकल जाते, उसमें चुपकता नहीं है। और सेकंड थिंग्स ये है कि आपने सिरामिक कोटिंग किया, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी की कुछ भी कर लो, गाड़ी को बिना मेंटेनेंस, मतलब टोटली मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी को आप सिरामिक कोटिंग तभी करती हो जो गाड़ी को आप मेंटेन करना चाहता है। तो सिरामिक कोटिंग किया, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी कुछ भी कर लो गाड़ी का शाइनिंग हो रहेगा या सिरामिक कोटिंग वो स्टिक रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी जैसे राजकोट में या गुजरात में एक चीज़ रहता है कि कई सारा गाड़ियाँ जो यहाँ पे नेपालीज होते हैं जो फ्लैट में रहता है, उनकी सिक्योरिटी का काम करता है, तो उनसे वो गाड़ी धुलवाता है। वो लोग क्या करते हैं, एक आधा बकेट में पानी लेते हैं, उसका बाद एक बड़ा गाड़ी आधा बकेट में पूरा धो लेते हैं। उससे क्या होता है, यानी मेरे कहने के मतलब वो नेपाली ऐसे करते हैं, बकेट में डाल देते हैं, वो भी ये भी कई कपड़ा नहीं यूज़ नहीं करते, नॉर्मल जो टी शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसको पानी में डुबाते और इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से वो रगड़ता है, ठीक है। तो रगड़ने के बाद ये क्या होता है, इसमें इस तरीके से रोटेट, जैसे राउंड में ना स्क्रैचेस होता है, वो स्क्रैच वो डेली करते हैं या फिर हफ्ते में दो या तीन बार करते हैं। उससे क्या होता है, पेंट के ऊपर पहले प्राइमर, उसके बाद पेंट के बाद दो या तीन लेयर ना क्लियर मारता है जिसमें गाड़ी का शाइन होता है। तो वो क्या करता है, इस तरीके से रगड़ रगड़ के ना वो क्लियर को निकाल देता है। उसके बाद फिर आप सिरामिक कोटिंग करो या फिर पॉलिशिंग करो, जो करना है करो, कभी ये शाइनिंग नहीं आएगा। जो ये गाड़ी में दिख रहे हैं ये शाइनिंग नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि मेरा गाड़ी डल हो गया है, वो डल होने का रीज़न ये है कि आप मेंटेन नहीं कर रहे अच्छी तरीके से, आप पेंट को डैमेज कर रहे हैं, वो क्लियर को डैमेज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो सिंपल, आपने गाड़ी लिया, नई गाड़ी लिया, आप चाहते हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। सो इस तरीके से डिटेलिंग डेविल्स जो अदरवाइज कंपनी है वहाँ पे आओ, उसका बात मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ डिटेलिंग डेविल्स में जाओ, आपकी जगह पे जो अदरवाइज जो जिसकी काम अच्छा है वहाँ पे जाओ, आपका गाड़ी का सिरामिक कोटिंग करवाओ, उसका बाद अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करो अच्छी तरीके से। इन द सेंस मान के चलो आप बाहर जाके आए, कीचड़ हो गया है, डस्ट है, उसमें एक बकेट लेकर आके उसको रगड़ो मत, वाटर प्रेशर से, प्रेशर वाला जो पंप होता है उससे पहले निकालो, उसका बाद शैम्पू का यूज़ कम करो, महीने में एक बार शैम्पू यूज़ करो, बाकी टाइम पे पानी डाल करके उसको निकाल दो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, पानी डालने के बाद आप उसको एकदम ड्राई करना, नहीं तो वाटर मार्क आता है, वाटर मार्क पेंट को डैमेज करता है, फिर वो निकलता नहीं, फिर उसके ऊपर 2000 का पेपर पकड़ करके उसको रब करना पड़ता है वो निकालने के लिए। सो मेंटेन करना भी इतना ईजी नहीं है, सबसे टफेस्ट जो पेंट होता है, कलर होता है ब्लैक मेंटेन करना बहुत दिक्कत है। मेरी इससे पहले दो गाड़ी पोलो और लोरा दोनों ब्लैक था, मैंने मेंटेन किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो कमेंट बॉक्स में मिलते हैं जो आपको इसको मेंटेन कैसे करना है। मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि सिरामिक कोटिंग क्या होता है कैसा है, ये मतलब आप गूगल में भी मिल जाता है, मेरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अलावा भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, आप पूछ सकते हो वहाँ पर, राइट। तो वीडियो अगर पसंद हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आप शेयर भी करना, लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।